तस्लीम, देखिए ये बहुत ही गलत एक रवाज निकला है कि पर प्रांति के नाम पर खासतौर से उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। और उत्तर भारतीय एक मेहनत करने वाले ईमानदार लोग हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो देश में कानून है। क्या महाराष्ट्र में अरुण गौली जैसे लोग नहीं है क्या? डकैती करना, मर्डर करना, उनको क्यों भगा देते आप यहाँ से? ऐसे कितने क्रिमिनल्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, कितने रेपिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों को रेप किया है, तो उनको क्या भगा देंगे यहाँ से आप? कानून अपना काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर किसी उत्तर भारतीय ने कोई बच्ची का रेप किया तो उसको पकड़िए उसको। लेकिन हर उत्तर भारतीय को, अरे भाई गणपति बप्पा कहाँ के थे? उस गणपति बप्पा को यूपी से लाकर यहाँ पूजा जा रहा है। कृष्ण भगवान कहाँ के थे? और गंगा जमुना कहाँ बहती है? उस गंगा जमुना के पानी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, तो नरक मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा? उन उत्तर भारतीयों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ सरकारों से कि ये कानून दलित उत्पीड़न कानून है, एट्रोसिटी लॉ बहुत सेंसिटिव है। यहाँ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आकर कारोबार करते हैं, बाल बच्चे गांव में रहते हैं, आकर राज्यों की सेवा करते हैं, सड़क पर सोते हैं, दूध बेचते हैं और अखबार बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उन लोगों का भगा रहे हैं। दलित उत्पीड़न कानून की तरह से सेंसिटिव लॉ बनना चाहिए। यदि किसी ने किसी को पर प्रांति के नाम पर गाली भी दिया तो कम से कम 1 साल जमानत नहीं होना चाहिए। मैं सरकारों से मांग करता हूँ, पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम एमपी से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि तुरंत इस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि ये एक फैशन बनता जा रहा है। मेरे मुल्क के कितने लोग सऊदी अरब, दुबई, लंदन, अमेरिका में रोजी रोटी कमा रहे हैं इन चीज़ों को दिखाकर। क्या आप उनके अंदर भी एक ऐसी चीज़ें पैदा करना चाहते हो कि वो भी वो कहें कि भाई मेरे मुल्क में आगे क्यों कमा रहे हैं, भगाया जाए? इन चीज़ों को शुरू करने के पहले से दबा देना चाहिए। क्या गुजरात की सरकार इसमें नाकाम साबित थी, इस पूरा मसला जो जब 20,000 लोग चले गए, उनको सरकारों पर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा, और एक आदमी जाकर कह रहा है कि कल शाम को इतने बजे के पहले तुम्हें यहाँ शहर को छोड़ देना है, तो फिर मैं समझूंगा कि सरकारें बेकार हैं, पुलिस निकम्मी हो गई है, बिल्कुल काम नहीं सही हो रहा है। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के विधायक है, उनकी भूमिका किस तरह से नज़र आती है आपकी? नहीं, अल्पेश ठाकुर ने ठाकुर कम्युनिटी की बच्ची, और अल्पेश ठाकुर ने जिस तरह से काम किया है बहुत घिनौना काम किया है। कांग्रेस पार्टी को पहले उनको अपने यहाँ सस्पेंड करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए।